नमस्कार, सत्संग संदेश में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगिता सिंह। सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोरे अंग। मन को सुमिरन में ऐसे लगाएं जैसे दीपक से पतंगा लगाता है। वो निडर होकर क्षण भर में जल मरता है, पर पीछे नहीं हटता। प्रभु का सुमिरन करने का तरीका ये भी है कि हम सत्संग संदेश के साथ जुड़े रहें। आज क्या है विशेष सत्संग संदेश में, आइए जान लेते हैं। धर्म में आज हम जानेंगे क्यों नहीं होती ब्रह्मा जी की पूजा। आयुर्वेद में आचार्य बालकृष्ण जी से जानेंगे मोटापे को दूर करने का मंत्र। योग अमृत में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी बताएंगे थायराइड को दूर करने का आसान तरीका। आखिर में सत्संग संदेश में जानेंगे इस सप्ताह पढ़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को पूजा जाता है। ये तीनों देवता संपूर्ण सृष्टि को बनाने, पालने और इसके विनाश के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सृष्टि रचना के दौरान ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने श्राप दिया था। उनके द्वारा किए गए एक कृत को भगवान शिव सहन नहीं कर सके थे। आइए सुनते हैं क्या है पूरी कथा। शिव महापुराण में वर्णित कहानी के अनुसार जब सृष्टि की रचना करने का समय आया तो त्रिदेवों ने अपने कार्यों को बांट लिया। भगवान ब्रह्मा पर मानव जाति की रचना करने की जिम्मेदारी आ पड़ी। इतनी बड़ी सृष्टि के निर्माण के लिए किसी की सहायता की जरूरत थी, इसलिए ब्रह्मा ने सत्यरूपा नाम की एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति की। वो कन्या इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। उसके चेहरे पर इतना तेज था कि बड़े से बड़ा सन्यासी भी उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता था। उसके रूप को देखकर ब्रह्मा भी उस पर मोहित हो गए। कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूलकर सत्यरूपा को निहारते रह गए। उनकी दृष्टि को भांपते हुए भगवान शिव को देर ना लगी। वे उन्हें समझाना चाहते थे, परंतु इससे पहले ही ब्रह्मा ने सभी के सामने सत्यरूपा से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उनके मुख से ऐसी अनर्थपूर्ण बात सुनकर वहां उपस्थित सभी देवगण हैरान हो गए। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। शिव ने कहा, हे देव, इस कन्या की रचना स्वयं आपने अपने हाथों से की है, इसलिए ये कन्या आपकी पुत्री समान हुई। सत्यरूपा आपका अंश है। आपको अपनी पुत्री के लिए ऐसी अशोभनीय बात नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर ब्रह्मा क्रोध से भर गए। उन्होंने भगवान शिव को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। ये सुनकर शिव के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, आपने अपनी पुत्री के विषय में ऐसी बात कहकर पिता पुत्री के रिश्ते का अपमान किया है, इसलिए आप पूजने के योग्य नहीं हो। आज से आपकी पूजा ना के बराबर होगी। दुनिया भर में आपके भक्त नाम मात्र ही रह जाएंगे। शिव के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव सहित सभी देवगणों से माफी मांगी, परंतु शिव के श्राप ने अपना प्रभाव दिखा दिया था। आपने भी ये बात जरूर गौर की होगी कि ब्रह्मा को अन्य देवताओं की तुलना में कम ही पूजा जाता है। अब समझ में आया कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, साथ ही उनके इतने अधिक मंदिर क्यों नहीं हैं। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। धर्म के बाद चलते हैं विख्यात आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण जी के सानिध्य में, जहां आज वो मोटापा दूर करने का हमें तरीका बताएंगे। इस जड़ी बूटी की परंपरा में हम आपके साथ और बहुत सारी जानकारियों को लेकर के आपके बीच में हैं। यह सदाबहार जिसके बीच में मैं बैठा हूँ, यह एक अत्यंत आम प्रचलित और प्रत्येक व्यक्ति भारतवर्ष का वासी इस पौधा को जानता है। लोचनेरा रोजिया और बिनका रोजिया, ये दो नाम से दो प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। इस सदाबहार के फूल के विषय में
ऐसी आम अवधारणा है। हमारे आयुर्वेद के जानकार लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि यह मूल रूप से ये अमेरिकन पौधा है। हालांकि आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कोने में, सब जगह बाग बगीचों में, घर आंगन में ये पौधा आपकी सुंदरता को, आपके घर की शोभा को ये बढ़ा रहा होता है। तो आइए आज हम लोचनेरा रोजिया के पौधे का, ये सदाबहार सदा फूल के जो पौधा है, उसके कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में हम जानें। इसके पत्तियां और इसकी जड़ को मोटापे वालों के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। दो तीन पत्तियां और इसकी थोड़ी सी जड़ को पानी में यदि आप उबालते हैं, उबाल करके उसको पी लेते हैं सुबह खाली पेट, तो इससे निश्चित रूप से आपका जो मोटापा है वो कम होगा। डायबिटीज़ में इससे अत्यंत लाभ होगा। इससे भी बढ़ करके इसका जो एक प्रयोग है हमने बहुत सारे रोगियों में किया है, कैंसर के रोगियों के लिए, कैंसर में भी यह एक सहयोगी पौधा है। मोटापे की वजह से शरीर में कई रोग अपनी जगह बनाने लग जाते हैं। यदि सही समय पर अपनी जीवन शैली को अनुशासित नहीं किया गया तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब थायराइड को ही ले लीजिए। थायराइड यदि एक बार हो जाए तो ताउम्र दवाइयां खानी पड़ जाती है, लेकिन योग का साथ आप पकड़ते हैं तो संयमित जीवन शैली आपको थायराइड जैसी बीमारियों से बचा कर रखेगी। हम आपको लेकर चलते हैं योग अमृत में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पास और उनसे सीखते हैं थायराइड को दूर करने के योग। थायराइड की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम हो रही है तो ज़्यादा ठंडा, ज़्यादा गर्म हम खाते हैं, कोका कोला, पेप्सी आदि, कोल्ड ड्रिंक्स आदि पीते हैं, और भी तीखे तले हुए पदार्थ बहुत ज़्यादा खाते हैं, शारीरिक श्रम कम हो गया है। बहुत से कारण हैं जिनके कारण से थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड के कारण से आंखों का भार आना, थायराइड के कारण से चक्कर आना, फिर थायराइड के कारण से जो है मोटापा का बढ़ना या अंडरवेट हो जाना, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, दोनों ही अवस्थाओं में एक तो कपालभाति और ऊर्जाई प्राणायाम ज़बरदस्त लाभ करते हैं। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, एक कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक करा देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और थायराइड के लिए आसनों में सर्वांगासन, हलासन विशेष रूप से लाभ करते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पोनाइटिस भी नहीं है, वे सर्वांगासन और हलासन नहीं कर सकते, वो उष्ट्रासन भी नहीं कर सकते, तो फिर वो गले का यही आसन करने से, बस सूक्ष्म व्यायाम करने से, ऐसे इससे भी गले के रोग, सभी रोगों में और थायराइड की बीमारी में विशेष रूप से लाभ होता है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो और एक्सरसाइज कोई ना कर सकते हो, आसन कोई ना कर पाते हो, तो वे कपालभाति के साथ साथ उज्जयी प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। वो 7-11 से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। ये कपालभाति और उज्जयी, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देना, इसको 7-11 से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है ये थायराइड का पॉइंट, एक्यूप्रेशर में अंगूठे के नीचे से ये हथेली में ये जो उठा हुआ भाग है इसको दबाते हैं दोनों हाथों में, और 2-2 मिनट ऐसे दबाने से थायराइड की प्रॉब्लम में 100% लाभ हो जाता है। हमने जो 5-10 सालों से थायराइड के लिए गोलियां खा रहे थे, उनको योगाभ्यास कराया और हमने पाया कि आज उनकी थायराइड की सब गोलियां बंद हो गई। किसी के 1 महीने में, किसी के 2 महीने में, किसी के 3 महीने में, किसी के 6 महीने में थायराइड की गोलियां 100% बंद हो जाती हैं। वैसे हम जब पतंजलि योगपीठ में जब लोग आते हैं, उनकी थायराइड की गोली पहले दिन से बंद करा देते हैं, और थायराइड के कारण उनका वजन बढ़ा हुआ था तो उसको भी हम नॉर्मल करते हैं, और देखते हैं कि आने से पहले हम उनका T3, T4, TSH चेक कराते हैं, और 7 दिन में गोलियां बंद कराने के बाद हम देखते हैं कि उनका T3, T4, TSH 100% कंट्रोल में आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूँ। इसमें दवा के तौर पर त्रिकुटाचूर्ण 50 ग्राम प्रवाल पिष्टी या गोदंती भस्म उसके अंदर मिला देते हैं, ये कोई मेटेलिक भस्म नहीं है, प्रवाल पिष्टी या गोदंती 10 ग्राम और त्रिकुटा 50 ग्राम, इसको मिला करके आधा आधा ग्राम शहद से चटा देते हैं, और
थायराइड के कारण से मोटापा भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उनको मेदोहर वटी भी दे देते हैं और काचनार गुग्गल और वृद्धिवादी का वटी भी देते हैं। तो वृद्धिवादी का वटी, काचनार गुग्गल और मेदोहर वटी, ये एक एक गोली खाने के बाद खिला देते हैं, तो थायराइड के रोगियों को और जल्दी लाभ हो जाता है। सुबह सुबह खाली पेट गोमूत्र का अर्घ पीने से भी थायराइड के रोगियों को विशेष लाभ हो जाता है। और थायराइड के साथ साथ थायराइड के सभी कॉम्प्लिकेशंस भी 100% दूर हो जाते हैं। आइए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर चलते हैं और इस सप्ताह पढ़ने वाले व्रत और त्योहारों की जानकारी लेते हैं जो जीवन में उमंग भर देते हैं। 5 अगस्त नाग पंचमी, 7 अगस्त तुलसीदास जयंती, 9 अगस्त वरलक्ष्मी व्रत, 11 अगस्त पुत्रदा एकादशी व्रत। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। यदि आपके पास कोई जानकारी है या कोई सुझाव है तो वो आप हमें भेज सकते हैं info@sanskargroup.in पर। हमें आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आज आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।